हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, तो हम और प्रीति आज जा रहे हैं मार्केट। तो अभी हम लोग हैं मेट्रो स्टेशन पे, तो टिकट हम लोग ले चुके हैं और पहुँच रहे हैं प्लेटफार्म पे जहाँ पे मेट्रो आने वाली है। तो ये देख सकते हैं, ये दूसरे प्लेटफार्म पर आई है मेट्रो और हमारी मेट्रो इस प्लेटफार्म पर आने वाली है। तो 2 मिनट वेट करना है और फिर मेट्रो आ जाने वाली है, उसके बाद हम लोग निकलेंगे मार्केट। तो ये देख सकते हैं, हम लोग उज्ज्वल नगर है मेट्रो स्टेशन पे, और अभी मेट्रो से बस 10 मिनट का रास्ता है और फिर हम लोग पहुँच जाएंगे बड्डी, और फिर बड्डी से हम लोग जाएंगे इतवारी। इतवारी जो यहाँ का फेमस शॉपिंग बोल सकते हैं, शॉपिंग मार्केट बहुत अच्छा है, होलसेल प्राइस में वहाँ पे अच्छे कपड़े मिल जाते हैं। तो आ चुकी है हमारी मेट्रो और हम लोग मेट्रो में बैठ चुके हैं, देख सकते हैं बाहर का नज़ारा। और जो आपको रोड से दिखाते थे वो आज मेट्रो से बाहर का नज़ारा दिखा रहा है, तो कुछ अलग ही नज़ारा है बाहर का, देख सकते हैं। क्योंकि मेट्रो जो रेलवे बहुत ज़्यादा हाइट पे है, ओवरब्रिज के ऊपर ही, और भी ऊपर इसका जो है वो ब्रिज है, तो देख सकते हैं ऊपर से नागपुर कैसा दिख रहा है बाहर मेट्रो से। तो यहाँ से हम लोगों को 10 मिनट लगेगा और हम लोग पहुँच जाएंगे बड्डी, और फिर बड्डी उतर के हम लोग फिर इतवारी के लिए ई रिक्शा करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग पहुँच जाएंगे इतवारी। तो वहाँ पे प्रीति को कुछ शॉपिंग करना है और हम सोचे क्यों ना प्रीति के साथ एक बार एक्सप्लोर कर ले मार्केट, तो उसके बाद फिर कभी भी आ सकते हैं मार्केट एक बार देख ले। तो आज पहली बार नागपुर एक्सप्लोर करने जा रहे हैं और वो भी मेट्रो से, तो सोचे क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि आप लोग भी घर बैठे यहाँ का नज़ारा जो है देख सकते हैं। तो हम लोग पहुँच चुके हैं यहाँ बड़ी और यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं बाहर, और मेट्रो स्टेशन से बाहर आने में बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो 2 मिनट में हम लोग बाहर आ गए और यहाँ पे ले लिए हम लोग ई रिक्शा, और यहाँ से फिर हम लोग पहुँचेंगे इतवारी। और इतवारी जाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, वहाँ भी 10 से 15 मिनट का टाइम लगभग लग ही जाता है बड़ी से, तो देख सकते हैं। और आज संडे का दिन था तो बड़ी इतवारी जो है वो बंद रहने वाला था बहुत सारा शॉप, और हम लोगों को लगा कि नवरात्रि की वजह से कहीं खुला रहे, बट नहीं। और ये देख सकते हैं मार्केट, तो यहाँ पे पहुँच चुके हैं एक शॉप में जहाँ पे प्रीति देख रही है कुछ सूट्स अपने लिए, बट यहाँ पे जो प्राइस है बहुत ज़्यादा हाई था। यहाँ पे प्रीति को 2-3 सूट्स बहुत ज़्यादा पसंद आए, बट प्राइस की वजह से जो बहुत ज़्यादा हाई प्राइस बोल रही थी, तो इस वजह से हम लोग वहाँ से कुछ भी नहीं लिए। तो और यहाँ पे 2-3 ड्रेस प्रीति जो है ट्राई भी की थी और अच्छा लग रहा था, बट ये जो शॉप वाले थे कुछ ज़्यादा ही हाई प्राइस रखे हुए थे कपड़ों का, तो यहाँ से प्रीति कुछ नहीं ली और फिर हम लोग यहाँ से निकल गए। और यहाँ पे प्रीति जो है वो ड्रेस जो है ट्राई कर रही हैं, देख सकते हैं ये अच्छा लग रहा था सूट और बहुत सुंदर लग रहा था, इन पे फिट भी बहुत आ रहा था, बट ये प्राइस बहुत ज़्यादा ये लोग बोल रहे थे और कम बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे, इसलिए वहाँ से हम लोगों को छोड़ना पड़ा और हम लोग यहाँ पहुँच गए इतवारी के दूसरे शॉप में। और देख सकते हैं बिल्कुल शांत सा माहौल लग रहा है क्योंकि संडे का दिन था और सब जो शॉप सब है बंद था, तो इस वजह से। तो हम लोग फिर लास्ट में एक शॉप में पहुँचे जहाँ पर होलसेल प्राइस में बहुत अच्छा कपड़ा जो है वो मिल रहा था, तो देख सकते हैं ये यहाँ पे प्रीति बहुत सारे ड्रेस जो है वो देखी, उसके बाद उनको 2-3 ड्रेस जो है इसमें से पसंद आई और वो ली, तो देख सकते हैं यहाँ पे। और बहुत ज़्यादा टाइम लग गया यहाँ पे हम लोगों को, 1 से 1.5 घंटे लगा बिल्कुल, और कपड़े जो है वो बहुत जल्दी पसंद आता भी नहीं है, तो टाइम थोड़ा इसमें लग ही जाता है। तो यहाँ से देखने के बाद फिर हम लोग बड्डी के लिए वापस निकले, बट शाम का टाइम हो गया था और बहुत ज़्यादा जो धूप है वो सामने से लग रहा था, और हम लोग जल्दी जल्दी फिर ई रिक्शा की तरफ जा रहे थे। और देख सकते हैं मार्केट बिल्कुल सुनसान दिख रहा है क्योंकि संडे को यहाँ पे सारा कुछ जो है बंद ही रहता है, ज़्यादातर होता है कि संडे को सारे ऑफिस सब कुछ बंद होता है तो मार्केट खुला रहता है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे संडे को सब कुछ बंद रहता है, सारे लोग यहाँ पे रेस्ट करते हैं। और यहाँ देख सकते हैं शाम के टाइम में धूप बिल्कुल सामने से आ रही थी और बहुत ज़्यादा धूप लग रहा था, तो हम लोग को जल्दी जल्दी निकलना था, तो देख सकते हैं। फिर यहाँ से हम लोग ई रिक्शा लेके फिर पहुँचने वाले हैं बड्डी,
और फिर वहाँ पे आपको स्ट्रीट शॉपिंग जो है वो दिखाते हैं। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं बर्डी और अब लेके चलते हैं आपको स्ट्रीट शॉपिंग की तरफ। तो यहाँ पे रोड पे हम लोग दूसरे साइड में उतरे हैं, यहाँ से अब रोड क्रॉस करके हम लोगों को जाना है। तो यहाँ देख सकते हैं हम लोग, आज 2 मिनट का रास्ता है, बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगने वाला, बस बीच में जो चौराहा है उसको क्रॉस करके हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। यहाँ देख सकते हैं स्टार्ट हो चुका है स्ट्रीट शॉपिंग, यहाँ बीच में मेकअप और यहाँ बच्चों के लिए जो है फुटवेयर सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा, जो भी ढूंढिए वो बहुत ही आसानी से यहाँ पे मिल जाता है। और सारा कुछ का शॉप जो है वो आपको रोड पे दिखेगा, सारा कुछ देखने को मिलेगा, चाहे वो कपड़े हो, फुटवेयर हो, मेकअप हो और या फिर एक्सेसरीज हो, कोई भी सामान हो, सब कुछ आपको यहाँ रोड पे मिल जाएगा। ये देख सकते हैं बहुत सुंदर सुंदर इयररिंग्स जो है। इसी तरह से हम लोग देखते देखते आगे बढ़ते रहे और ये बहुत दूर तक फैला हुआ है, बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है यहाँ पे, और चलते चलते हालत बिल्कुल ख़राब हो रहा था। तो यहाँ पे रेडीमेड ब्लाउज़ का शॉप जो है वो बहुत कुछ अलग अलग यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये देख सकते हैं। तो इसी तरह से हम लोग चलते चलते सारे मार्केट को एक्सप्लोर कर रहे थे और बर्डी से तो कुछ लिए नहीं हम लोग, बस इसी तरह से घूमते टहलते वापस घर की तरफ हम लोग चल दिए थे। तो यहाँ देख सकते हैं, और चलते चलते बिल्कुल हालत ख़राब हो गया था, बहुत ज़्यादा चलना पड़ा था हम लोगों को। और हम लोग घर से 1:30 बजे निकले थे करीब, और वापस घर 6:30 बजे पहुँचे, बहुत ज़्यादा चले थे। सबसे ज़्यादा ये बर्डी में, यहाँ देख सकते हैं सुंदर सुंदर हेयर बैंड्स और बाकी सारे भी एक्सेसरीज बहुत अच्छे अच्छे मिले थे, बट ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली बोल रहे थे दुकान वाले भैया, बिल्कुल भी प्राइस जो है वो कम नहीं होता यहाँ पे। तो ये सब क्लचर 40 रुपये में बोल रहे थे, तो बहुत ज़्यादा महंगा लग रहा था, तो इस वजह से हम लोग यहाँ से कुछ भी नहीं लिए। बस कहने के लिए ये स्ट्रीट शॉप है, बट जो कभी कभी जो भी सामान का जो दाम है वो हाई ही दिख रहा था, बहुत ज़्यादा कम भी आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, सामान का प्राइस जो है वो ज़्यादा ही रहता है। और ऐसा भी नहीं है कि जो भी ये स्ट्रीट पे है तो सामान बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, नहीं, सामान बहुत अच्छा मिलता है, जैसे आपको दुकान में सामान मिलेगा उसी तरह से यहाँ स्ट्रीट पे भी सामान वैसा ही मिलेगा। तो देख सकते हैं ये पूरा मार्केट रोड पे आपको जो भी ढूंढे, पर्स हो या फुटवेयर हो, सब कुछ आपको रोड पर मिल जाएगा, या फिर कोई भी सामान हो। तो इसी तरह से हम लोग देखते देखते आगे बढ़ रहे थे, लेना तो कुछ भी नहीं था, बस इसी तरह से एक्सप्लोर कर रहे थे और देख के अच्छा लगा। एक दो सामान जो है वो प्रीति को देखना था, बट वो प्रीति को पसंद आया नहीं तो वो भी नहीं ली। और हम देख रहे थे बिंदी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर बिंदी मिल रहा था, और सारे बिंदी का प्राइस जो है 20 रुपये ही था,
तो बिंदी का ज़रूरत था, तो एक दो बिंदी जो है वो अपने लिए हम लिए, और ज़्यादा कुछ तो नहीं, कुछ भी पसंद नहीं आया। बस एक बिंदी ही जो एक बहुत ज़्यादा डिफरेंट लग रहा था, तो एक बिंदी लिए। तो ये मैरून वाली बिंदी बहुत ज़्यादा पसंद आई, तो हम लिए बिंदी, और ज़्यादा कुछ भी नहीं। और बहुत ज़्यादा शाम भी हो गया था, इसलिए ज़्यादा कुछ देखने का भी टाइम नहीं था, क्योंकि इतवारी से ही निकलते हुए हम लोगों को 4:30 बज चुका था, और बड़ी पहुँचते पहुँचते 5 बज गया था। तो इसलिए हम लोग ज़्यादा घूमे टहले नहीं, बस 1 घंटा यहाँ से वहाँ। और बहुत ये स्ट्रीट शॉप जो है ये बहुत दूर तक फैला हुआ है, यहाँ चलते चलते बहुत ज़्यादा थकान भी हो जाता है। तो अगर कभी भी घूमने के लिए आए तो बस ध्यान रखें कि सारा शॉपिंग एक ही दिन ना करें। अगर आपको इतवार ही जाना है तो इतवार ही को ही एक दिन एक्सप्लोर करें, और एक दिन बड़ी, क्योंकि यहाँ पे घूमने के लिए सामान भी बहुत ज़्यादा है और आपको टाइम भी बहुत ज़्यादा लगने वाला है, और भीड़ भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे होती है। इसलिए कभी भी एक ही जो मार्केट है वो एक्सप्लोर करें, दो दो मार्केट एक साथ एक्सप्लोर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। वो भी ये इतवारी जो था वो बंद था, तो इस वजह से हम लोग ज़्यादा इतवारी को एक्सप्लोर किए नहीं, उसके वजह से बर्डी तो पूरा घूमे, और लेना कुछ भी नहीं था और लिए तो कुछ भी नहीं सच में बर्डी से, बट एक्सप्लोर पूरा हम लोग किए बर्डी को अच्छे से। तो फिर कभी जाना हो तो आपके साथ शेयर करेंगे कुछ अगर लेना हो तो। अभी तो बस इसी तरह घूमने घूमे, और ये गांव देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है, और ब्राइडल लहंगा भी यहाँ पे वैरायटी बहुत अच्छे अच्छे मिल जाएंगे आपको। तो हम लोग फिर फाइनली पहुँच चुके हैं बड़ी स्टेशन, और यहाँ से लेंगे टिकट और फिर वापस घर जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया था और इनका नाइट शिफ्ट था, तो घर भी पहुँचना जल्दी ज़रूरी था, टाइम भी बहुत ज़्यादा लग गया था। मार्केट में टाइम का पता ही नहीं चलता है, सामान देखते देखते आप कब आपका टाइम 2 से 3 घंटा निकल जाता है, कुछ पता नहीं चलता है। तो यहाँ पे हम लोग फाइनली पहुँच चुके हैं मेट्रो स्टेशन, और यहाँ से हम लोग लेंगे टिकट और फिर वापस घर की तरफ। तो ट्रेन का वेट करने में ही जो हम लोगों को 10 से 15 मिनट लगा वही, और इससे ज़्यादा टाइम हम लोगों को लगा नहीं। तो हम लोग पहुँच चुके हैं यहाँ पे टिकट काउंटर के पास, तो पहले यहाँ पे टिकट लेंगे। और शाम के टाइम पे भीड़ भी ज़्यादा होता है, क्योंकि सब लोग वापस अपने अपने घर जाने को, या फिर ऑफिस वाले जो भी जहाँ से जाना रहता है सबको वापसी सब कुछ होता है, इसलिए वहाँ पे थोड़ा सा टिकट काउंटर के पास भीड़ होता है। तो इसलिए हम लोगों को थोड़ा टाइम लगा, और उसके बाद फिर हम लोग टिकट लेने के बाद पहुँच चुके यहाँ पे प्लेटफॉर्म पर पहुँच चुके हैं हम लोग। तो यहाँ पर वेट करेंगे, 5 से 7 मिनट का टाइम तो शो कर रहा था, तो उसके बाद फिर मेट्रो का आने का टाइम है। यहाँ देख सकते हैं दूसरी मेट्रो जो है वो जा रही है, और आगे से ब्रिज पे किस तरह से मेट्रो जा रही है वो देख सकते हैं। मेट्रो कैसे जा रहा है मेरा? बहुत हाइट पे है ये मेट्रो स्टेशन, यहाँ देख सकते हैं ट्रेन आ गई है और हम लोग बैठ चुके हैं। ये सीतावर्डी आगे प्लेटफॉर्म पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो ये बर्डी स्टेशन है, शॉर्ट में सीतावर्डी को ही हम लोग बर्डी बोलते हैं यहाँ के लोग। और अब ये गेट क्लोज हो गई और ट्रेन चलने वाली है, तो इससे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 10 से 15 मिनट में हम लोग यहाँ से उज्जवल नगर पहुँच जाएंगे। और सबसे इजी वे है ये मेट्रो से सफ़र करना, बहुत जल्दी और बहुत आसानी से आप पहुंच जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। और बाहर देख सकते हैं बिल्कुल शाम हो चुका है, एकदम अंधेरा नहीं हुआ था बट अंधेरा होने ही वाला था, तब तक हम लोग घर पहुंच चुके थे। और ये व्लॉग नवरात्रि के टाइम का ही है, बट इसको एडिट करके पोस्ट अब कर रहे हैं, तो ये अभी का नहीं है, नवरात्रि के टाइम पे ही हम लोग शॉपिंग करने के लिए निकले थे, तो ये उस टाइम का ही है। तो यहाँ पे मेट्रो पे बैठे बैठे हम लोग भी थकान तो बहुत ज़्यादा हो गया था, तो वेट कर रहे हैं अब हम लोग उतरने का कि जल्दी से जल्दी घर पहुँचे, क्योंकि प्रीति के भी हस्बैंड का नाइट शिफ्ट ही है और इनका भी नाइट शिफ्ट है, तो दोनों को खाना बनाने का चिंता ज़्यादा हो रहा है और जल्दी जल्दी घर पहुंचने का भी।
पहुंच चुके हैं फाइनली उज्जवल नगर। यहाँ से घर रोड के दूसरे साइड ही पड़ता है, पैदल 10 मिनट का रास्ता है, तो हम लोग पहुंचने वाले हैं। तो ये ओवरब्रिज की वजह से अंधेरा लग रहा है, बट अंधेरा भी हुआ नहीं था पूरा, हम लोग टाइम से पहले घर पहुंच रहे थे। तो फाइनली बहुत ज़्यादा थकान के बाद घर पहुंचने वाले हैं। तो ये ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।